आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक लगातार जारी है। ऐसे में सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर तीखे बयानबाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के मांड्या जिले में एक रोड शो किया। वही रोड शो के बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने किसानों की योजनाओं और एमएसपी पर चर्चा की है और कहा हमारी सरकार किसानों के साथ है। साथ ही कहा कि भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार है। पिछली हुकूमत ने हमारे किसानों के लिए क्या किया था और कर्नाटक में इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें खेती किसानों की हाथों खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था? उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि देने पीएम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि केंद्र सरकार ने बादल के निधन पर 2 दिन यानी कि 26 और 27 के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम भी नहीं होंगे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड के बाद पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इनमें मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की गई है। अब इस मामले में यूपी सरकार ने एक कैवियट भी दाखिल की है। योगी सरकार ने इस कैवियट के जरिए मांग की है कि बिना उसका पक्ष सुने इस मामले पर कोई आदेश पास न किया जाए। तो योगी सरकार ने एक कैविएट दाखिल की है। ये बड़ी और अहम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड पर पुलिस पर लगातार बड़े सवाल उठ रहे थे, जिसके लिए एक जांच की कमेटी भी बनाई गई थी। दो एसआईटी का गठन किया गया था। तो वहीं अब इस हत्याकांड को लेकर एक एविएट भी योगी सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा ना दिया जाए। खबर औरैया से है, जहां प्रहलादपुर गांव के पास बिधूना एरवा कटरा मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात चारपहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। घटना में बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घटना के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और उपचार के लिए सीएचसी बिधूना में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों के परिजनों को सूचना दी गई और जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने तहरीर मिलते ही कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सासपुर कोतवाली बिधूना जी, ये दो लोग सीएससी बिधूना में घायल हैं, कौन है आपके? ससेरे भाई। क्या नाम है इनका? एक का नाम संजीव है, एक का नाम ब्रजन। अच्छा, ये कैसे क्या घटना हुई? ये प्रहलादपुर गेहूँ काटने गए थे थ्रेसर से जी, एक लोग भूसा भरने गया था तो ये ठंडा लेने आए थे रोड पर। काय से थे ये? मोटरसाइकिल से। फिर पीछे से एक फोर व्हीलर आई और उसने उसको तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल को। तो ये दोनों लोग उसी में घायल हुए जी? वहीं घायल होके गिर पड़े। यहाँ सीएससी लेके कौन आया? एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस लाई जी। डॉक्टरों ने उपचार किया जी।
मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम के द्वारा एमसीएफ बल्लभगढ़ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा नगर निगम बल्लभगढ़ जोन के कार्यालय पर यह औचक निरीक्षण हुआ, जहां निरीक्षण पर कार्यालय की 6 शाखाओं में कुल 77 कर्मचारी तैनात पाए गए, जिनमें से 62 कर्मचारी समय पर उपस्थित रहे, वहीं 8 कर्मचारी अवकाश पर और 7 कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं। तो वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के पास नगर निगम कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। बता दें कि यहां 7 कर्मचारी नदारद पाए गए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में स्थित बल्लभगढ़ जोन के नगर निगम कार्यालय में आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर कर्मचारियों का हाजिरी रिकॉर्ड चेक किया है। इस छापेमारी में 7 कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के गैर हाजिर पाए गए। वहीं बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो अपने काम करवाने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा लगाकर थक चुके थे। वही सीएम फ्लाइंग डीएसपी के अनुसार रिपोर्ट ऊपर बनाकर भेजी जा रही है और उसके बाद नियमानुसार ही कार्रवाई होगी। सुन नहीं रहा था कोई, जब कोई नहीं सुन रहा तो मैं डबल भरना पड़ा मेरे मजबूरी में। अब इन्हें कागज पत्र सब ले लिए, सब कुछ, कोई एक ही दिन नहीं बता रहा। आप वहाँ चले जाओ, कहीं घुमाते रहे, क्लियर हमें बता दो कि वहाँ से काम होगा। अब बताया ऑनलाइन करवाओ, अब ऑनलाइन सुबह से खड़ा हूँ तो ऑनलाइन वाले बंद, सिस्टम बंद है, तो मैं अब क्या था। एप्लीकेशन लाया, एप्लीकेशन में सुनाई नहीं थी, ये हमारा काम नहीं जी, एप्लीकेशन काम नहीं है, तो ऑनलाइन सिस्टम होगा। चलो भाई ऑनलाइन सिस्टम होगा। अब सीएम फ्लैंग पहुँचे हैं। हाँ, तो में से सब 77 जो हैं कर्मचारी अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, जिनमें से 7 जो थे वो 10 बजे तक भी नहीं आए, जो एबसेंट पाए गए, और कुछ लोग जो छुट्टी पे थे और बाकी सब प्रेजेंट हो गए थे 9-9 के बीच में। तो उसके बारे में रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। कुछ लोगों ने वहाँ पे शिकायतें भी की कि हम बहुत दिन से चक्कर काट रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी आईडी और कुछ और अन्य सरकारी कार्रवाई वो नहीं हो रही है, जिसके आधार पर जो वहाँ पर संबंधित अधिकारी से उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें सर्वे के दौरान जो त्रुटियाँ रह गई थी उनको वो कैंप लगा लगा के प्राइवेट कंपनी और सरकारी लोग जो है वो ठीक कर। खबर फरीदाबाद से है, जहां इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि ठगी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पुलिस ने ठगी करने वालों के पास से 8 फोन, 4 सिम और 24,200 नकदी धनराशि भी बरामद की है। ये गिरोह प्रदेश के कई राज्यों में ठगी करता था। के दिन प्रतिदिन हो रहे मामले में एक मामला जो हमें प्राप्त हुआ, उसमें हमारे फरीदाबाद के सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा जी और डीसीपी क्राइम श्री अमित यशवर्धन जी के दिशा निर्देश पर हमने इससे संज्ञान लेते हुए एक मामला जो आया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के नाम पर, जिस तरह से वो रिव्यू करने की स्पीच के नाम पे पैसे लेकर और उस पर ठगी करते थे, उस ठगी का जैसे मामला हमारे सामने आया तो हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर और साइबर क्राइम की टीम बल्लभगढ़ से एसएच नवीन कुमार जी किया। तो वही कन्नौज में पार्टी से बगावत कर अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय पर्चा डालने वालों और रूठों को मनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा ने पूरे जिले में डैमेज कंट्रोल अभियान चलाया। जिला नेतृत्व को सबसे बड़ी सफलता छिबरामऊ सीट पर मिली, जहां से अनुज गुप्ता जॉनी ने भाजपा प्रत्याशी मनोज दुबे के पक्ष में पर्चा वापस लेने की हामी भर दी है। पार्टी नेतृत्व में उन्हें यहां का निकाय चुनाव प्रभारी बनाने और अगली बार सीट सामान्य रहने पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाने और भाजपा की मेन बॉडी में जल्द ही जिला उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव में पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ता है। जॉनी भाई हमारे परिवार के अंग हैं और आज हम लोग वो निर्दलीय चुनाव ना लड़ें, भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएं, ये जिम्मेदारी देने इनको आए थे।
खबर कानपुर से है, जहां कैब कंपनी ओला पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई गई है। बता दें कि साकेत नगर निवासी ने पुलिस उपायुक्त दक्षिण, पुलिस कमिश्नरेट को शिकायती पत्र दिया है। आपको ये भी बता दें कि समाचार पत्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी मिलने पर शिकायती पत्र दिया गया है। और वहीं ओला कैब कंपनी देश के लोगों की जान माल से खिलवाड़ कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त, फिटनेस रहित, बिना टैक्स और बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों में ओला बुकिंग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने कहा, देश और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था से ओला खिलवाड़ कर रहा है। जनता की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती, कोई भी अपराध हो सकता है, लूटपाट हो सकती है, महिलाओं के साथ कोई भी घटना घट सकती है, मगर गाड़ी पता चला जब ढूंढने चलेगी पुलिस तो कोई भगवान नहीं होती। तो पुलिस कहेगी UP 74 नंबर ढूंढो, UP 74 पता चला थाने में जमा है और गाड़ी आई थी UP 73, तो आप कैसे ढूंढेंगे। तो ये निश्चित रूप से अगर फर्जी तरह से कोई चीज़ चल रही है तो उसको बिल्कुल तत्काल रूप से ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने आज पुलिस प्रशासन को जगाने का कार्य करने, मैंने कहा आप इसको देखिए, तो मैंने एक लिखित शिकायत पत्र दिया है और सारे प्रमाणों के साथ दिया है। जितने भी अखबारों में आप मीडिया बंधुओं ने जो भी चलाया है सारे का मैंने उसको उनको पूरा पूरा बंच बनाकर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में हुए एनकाउंटर पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि उनके पास हर सवाल का जवाब तमंचा है। वहीं शाहजहांपुर में एन मौके पर मेयर प्रत्याशी बीजेपी पर शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का दिवालियापन है। अखिलेश ने फिर एक बार कहा कि अगर आप कोई समस्या पूछेंगे तो कहेंगे तमंचा, सड़क पर गोबर पड़ा है तो कहेंगे तमंचा। आपको बता दें कि गाजियाबाद में 11 मई को मेयर का चुनाव होना है, ऐसे में समाजवादी पार्टी, लोकदल और चंद्रशेखर रावण की पार्टी से पूनम यादव संयुक्त प्रत्याशी हैं। उनके प्रचार के लिए अखिलेश यादव आज गाजियाबाद पहुंचे थे। मुद्दा इसीलिए मैंने बोला, इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे, इनसे पूछे कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा, आप उनसे पूछे कि डैम व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे बोला तमंचा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा, नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हार्ड टू डाई। और जो महंगाई के सवाल है, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है, किसान क्या गेहूँ खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो, एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर का कितना संकट आ गया है, सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा। आप नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में नगर पंचायत सैदपुर के प्रत्याशी के पक्ष में प्रबुद्ध जनों से संवाद करने के लिए प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल सैदपुर कौशिक उपवन पहुंचे और लोगों को संबोधित भी किया गया। वह पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस है। तो वही ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा कि ओम प्रकाश राजभर गंभीर नेता नहीं है। इस दौरान उन्होंने लोगों को जाति और समुदाय का अंतर भी समझाया। कार्यकर्ताओं से हमने अपील किया है कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र के निखार में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं और यह चुनाव भी लोकतंत्र का एक पाठ है और इसमें घर घर निकल संपर्क करें और संपर्क करने के बाद उनको रोके, जो लोग की राजनीति में धन के बल पर, सौलाद के बल पर जीतते आ रहे हैं उनको रोका जाए। रविंदर जी, दो बार से, एक बार कौमी एकता दल से यहाँ पे नगर निकाय चुनाव में कब्जा रहा है, दूसरी बार बसपा से, और जो आपके विपक्षी हैं वो अंसारी बंधुओं के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, ऐसे में क्या लगता है भाजपा किला फतह कर पाएगी? निश्चित तौर पर जो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मार देख रहे हैं। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद नगर पालिका में निकाय चुनाव को लेकर भारी संघर्ष देखने को मिल रहा है। सपा, बसपा और भाजपा प्रत्याशी एक दूसरे को मात देकर जीत हासिल करने की कवायद में हैं। फिलहाल सत्ता के हनक में भाजपा प्रत्याशी का काफिला मतदाताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लंबा काफिला लेकर भाजपा प्रत्याशी जीत की कवायद में है, जिसके लिए पहले ही नगर पालिका विस्तार में 17 गांवों को जुड़वाकर जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही बता दें कि बसपा प्रत्याशी पवन रस्तोगी हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। नगर में विकास कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। गौशाला बनाकर आवारा गौवंशों को संरक्षित
करने और बंदरों को पकड़वा कर नगर वासियों को निजात दिलाने की भी वो बात कह रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी संजय मिश्रा बबलू ने मंत्री रजनीत तिवारी का आभार जताते हुए नगर में विकास की बात कही है। कन्नौज में पार्टी से बगावत कर अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय पर्चा डालने वालों और रूठों को मनाने के लिए भाजपा ने पूरे जिले में डैमेज कंट्रोल अभियान चलाया। जिला नेतृत्व को सबसे बड़ी सफलता छिबरामऊ सीट पर मिली है, जहां से अनुज गुप्ता जॉनी ने भाजपा प्रत्याशी मनोज दुबे के पक्ष में पर्चा वापस लेने की हामी भरी है। बता दें कि इस दौरान छिबरामऊ के पीपल वाली गली स्थित धर्मशाला में वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जहां राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक, छिबरामऊ विधायक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव में पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ता है। जॉनी भाई हमारे परिवार के अंग हैं और आज हम लोग वो निर्दलीय चुनाव ना लड़ें, भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएं, ये जिम्मेदारी देने इनको आए थे। प्रतापगढ़ जनपद हंडिया तहसील में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पूरे यूपी में ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन आज तक किसी किसान को सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि तक नहीं दी गई। किसानों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, उसके बावजूद भी किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। जिलाधिकारी महोदय जी से हम लोग मिले आज, इसके पहले जो पूर्व में थे उप जिलाधिकारी जी, उनको हम लोग एक बार ज्ञापन दे चुके हैं कि ये जो ओलावृष्टि भारी बारिश हुई है जी और पत्थर गिरा है, जिससे पूरी फसलें गेहूं की और सरसों की पूरी बुरी तरह से खराब हो चुकी है और किसानों को इतना बड़ा इससे नुकसान हुआ है कि वो स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, और उसी के मुआवजे के लिए जो भी नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा दे के उनकी भरपाई को पूरा किया जाए जो भी उनका नुकसान हुआ है। आप किसानों की समस्या को लेकर के अनवरत क्षेत्र में चर्चा करते रहते हैं, अधिकारियों उसको ज्ञापन देते रहते हैं और कहीं न कहीं किसानों का इतना बड़ा नुकसान। खबर संभल से है, जहां बसपा प्रत्याशी आजमा तश्कील के ससुर ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि सपा निकाय चुनाव की तरह इस बार भी चौथे नंबर पर रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने जो पिछले चुनाव में वादे किए थे, कब्रिस्तान और शमशान के 80% पूर्ण हो चुके हैं और 100% लाइट की व्यवस्था की गई है। संभल को अंधेरे से उजाले में लाने का काम किया गया है। आज तक समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का संभल से चुनाव जीत नहीं पाया है। दो बार निकाय चुनाव में बसपा का ही झंडा लहराया है। मुद्दे थे, हमने 80% निपटाने का काम किया है। शमशान घाटों का 80% मुद्दे निपटाने का काम किया है। गंदा पानी खड़ा था शमशान घाटों में भी, कब्रिस्तानों में भी पानी गंदा खड़ा था, और लाइट का काम 100% करने का काम किया हमने। हर खंभे पे लाइट लगाने का काम किया लेडी, पहले पीली लाइटें जलती थी। संभल को अंधेरे से उजाले में लाने का काम किया हमने। पिछली बार नवाई इकबाल साहब ने आपका समर्थन किया था, इस बार नहीं, नवाई इकबाल आपके साथ है, नहीं सांसद शफी। गैलेंट ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि गैलेंट ग्रुप पर इनकम टैक्स ने कड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है। वही आईटी ने ग्रुप के यूपी, दिल्ली, गुजरात, बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है, जबकि लखनऊ के गैलेंट ग्रुप के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी लगातार जारी है। कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो गैलेंट ग्रुप के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार सुबह से ही जारी है और अभी तक लगातार इनकम टैक्स की टीम फ्लैट्स के अंदर मौजूद है और हर एक तरीके के दस्तावेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। हरदोई में हाईकोर्ट के आदेश पर दो दुकानों और एक कच्चे मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। पुलिस प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा है। बता दें कि लोनार थाना क्षेत्र के 52 बस अड्डे पर दो दुकानें और एक कच्चा मकान बना था। इस पर पिछले 36 सालों से सुरेश चंद्र नाम के व्यक्ति का कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद इस जमीन को
कौशलेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अपनी बताकर सिविल कोर्ट में वाद दायर किया और सिविल कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद कौशलेंद्र मिश्रा ने हाईकोर्ट का सहारा लेकर दुकानें और मकान गिरवाने का आदेश जारी करवाया। हाईकोर्ट का आदेश आते ही पुलिस ने बुलडोजर से दुकानें और मकान जमींदोज कर दिया, जबकि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे जारी हो गए हैं, जिसमें प्रदेश की मेरिट लिस्ट में हरदोई के 6 छात्र छात्राओं ने नाम रोशन किया है। हाई स्कूल में निखिल कुमार ने प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। वहीं रामलाल सिंह पब्लिक स्कूल माधवगंज में पढ़ने वाले निखिल को 97.17 अंक प्राप्त हुए हैं। बता दें कि इनके माता पिता दोनों गुजर चुके हैं, जिसके बावजूद इस की कड़ी मेहनत से निखिल ने प्रदेश में 6ठी रैंक हासिल की है। निखिल ने अपने परिवार और गुरुजनों को इसका पूरा श्रेय दिया, कहा कि डॉक्टर बनकर मैं अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। औरैया से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बता दें कि अरवा कटरा थाना क्षेत्र के अरवा कोयली निवासी अपनी पत्नी और परिवार के साथ खेत पर गेहूं की थ्रेशिंग कराने गए हुए थे, तभी अचानक पत्नी की साड़ी का चोर थ्रेशर की पुल में उलझ गया, जिससे उसकी गर्दन बुरी तरीके से जकड़ गई। जब तक ट्रैक्टर बंद किया गया तब तक बुरी तरह वो लहूलुहान हो चुकी थी और कुछ क्षणों बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद थाना अध्यक्ष ने बताया कि परिजनों की तरफ से घटना की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सूचना मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कैसे धोती लिपट गई है? कहाँ गए थे आप लोग? गल्ला कांडवेदार खेत में। हाँ फिर कैसे हुआ आपसे? गेहूँ भर रही थी, गेहूँ भरने के बाद धोती लिपट गई उसकी थ्रेसर में। थ्रेसर में क्या कहीं फिर दिखाने गए कि तुरंत दिखाने गए थे? वो वहीं खत्म हो गई। कहाँ गले में आई उसकी? हाँ गले में आ गई, भी है, धर्म है। क्या नाम था पत्नी? पत्नी गांगुली। कितने बच्चे हैं? 4। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।